कि कॉमन सिविल कोड का जो बोलबाला हो रहा है, ये एक जमाने से बीजेपी पार्टी जब रूलिंग में सच हुए, ये मुद्दे को लेके उन वोट बैंक कंसोल्ट करने के लिए पोलराइजेशन भी कर रहे हैं। 2022 में जब ये सुनवाई है, कॉमन सिविल कोड होना नहीं होना, हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन हियरिंग आया हुआ, यही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कॉमन सिविल कोड इंडिया में अब फिलहाल जरूरत नहीं है, बिल्कुल इनका खुद का फ्रूट है। और जो है आज पहले भी ये बारे में इंक्वायरी करके लॉ कमीशन का ये रिपोर्ट था इंडिया की हालतों को देख के, और ये अखिलियतों को नहीं, पूरे दूसरे बहुत सारे आदमियों को, कास्ट को, रिलीजन्स को इफेक्ट होता, बल्कि वो खुद का रिपोर्ट ये है कि फिलहाल इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं है, बेजरूरत है, तो वो खुद अपने रिपोर्ट में बताए थे। वो रिपोर्ट बेस करके सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव दी थी, इसलिए वो जो रिट था वो खारिज हो गया। फिर दोबारा जो है 2024 में इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन मुद्दे को बना के कुछ हंगामा करने के लिए और वोट पोलराइजेशन के लिए एक चाल है, जिसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, और सिर्फ अन्याय को बांट के ही वोट कमाते हैं। मुसलमान का अगर नाम नहीं लिए तो बीजेपी जिंदगी रह सकती नहीं है, अगर बीजेपी पार्टी में अगर है तो मुसलमान के तुफेल से है, मुसलमान के नाम से है, मुसलमान बोल के ही चीर के वोट ले रहे हैं। अपने खुद मैं ये कर रहा हूँ, ये करने जाना हूँ, कभी बोली नहीं, बोलती भी नहीं, करती भी नहीं, ये मोस्ट करप्टेड गवर्नमेंट है। इसलिए जो चाल चल रही है सिर्फ वोट बैंक के लिए चाल चल रही है, पोलराइजेशन चाल चल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है।